में आने से नाना नाती की मौत हो गया, जबकि घटना में 3 लोग गंभीर रूप से जल गए। मृतकों में 60 साल के छोटू हेम्ब्रम और उसका 13 वर्ष के नाती रमेश हेम्ब्रम बताया जा रहा है। गंभीर रूप से झुलसे लोगों में मनीष हेम्ब्रम, राजेश हेम्ब्रम और श्रीका हेम्ब्रम शामिल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद गिरिडीह के सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू मृतकों के घर पहुंचे और परिजनों से पूरे घटना की जानकारी ली। इस दौरान विधायक ने परिजनों को आपदा प्रबंधन फंड से 4-4 लाख मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी लोग रात में खलियान में सोए थे। इस दौरान पास में ही सर्दी से बचने के लिए आग जलाई गई थी। जानकारी के अनुसार सभी लोग गहरी नींद में सो गए थे। इसी दौरान किसी तरह आग खलियान के पुआल तक पहुंच गई और देखते ही देखते भीषण रूप धर लिया। इसे खलियान में सो रहे 5 लोग आग के चपेट में आ गए। इसी बीच जानकारी होने पर वहां सो रहे लोगों ने शोर मचाया। आग लगने के बाद 5ों की चीख पुकार सुनकर अन्य लोग पहुंचे और किसी तरह सभी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक जलने से बुजुर्ग छोटू की मौत हो चुकी थी, जबकि रमेश और मनीष व 2 अन्य पूरी तरह से झुलस गए थे। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान रमेश की मौत हो गई, वहीं मनीष को PMCH रेफर किया गया, जबकि 2 अन्य का भी इलाज चल रहा है।